कैसे संभव है माधव? आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता अभी भी जीवित हैं, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ, मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले। और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी, मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग हूं, मैं ज्ञान सृष्टि हूं चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे पार्थ, स्वयं को मुझसे जुड़ा ही पाओगे। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे। किंतु उस पद को प्राप्त करने हेतु मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण क्या है मां? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है
स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। पत्नी का समर्पण पति की ओर होता, एक योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर होता, एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे थे। जब पांच पांच पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। उसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध है? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्मयोग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है, और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माधव? अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। Thank you.
परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ, अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो उस शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम। आवश्यक है कि मनुष्य जब तप, यज्ञ याग, यम नियम, योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति तो जब तब आदि का क्या महत्व है माधव? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तप और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार है पार, कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को
संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माता? अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेश्व लोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य क्रोध ना करना त्याग मन की शांति निंदा ना करना दया भाव सुख के प्रति आकर्षित ना होना बिना कारण कोई कार्य ना करना तेज क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धता धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता। आपका रूप कैसा है माधव? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं अमर और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्मयोग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। परंतु माधव आपने कहा था कि यहां हर स्थान पर मनुष्य नहीं केवल परमात्मा है। अब भी मुझे यहां केवल मनुष्य दिखाई दे रहे केवल मनुष्य माधव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूं माधव। आपकी शक्ति आपका ज्ञान तेज और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं माधव। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए माधव। मेरे सारे संदेह नष्ट कर दीजिए दर्शन दीजिए मां। देखो पा
सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। यही एक ज्ञान जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार है। यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, ऐसा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव और मैं ही शिव। अक्षरों में आकार, वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, प्राणियों में चेतना, यक्षों में कुबेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु और ऋषियों में भृगु, ध्वनियों में ओमकार, यज्ञों में जाप और वृक्षों में पवित्र पीपल, बुद्धि में स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। कीर्ति मैं ही, गंधर्वों में चित्र रथ, देवर्षियों में नारद और मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्च शवा, हाथियों में ऐरावत और पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मनुष्य में राजा और शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, शेष नाग, यमराज, वरुण देव और वायु भी मैं ही। भगवान राम, पवित्र गंगा, सृष्टि में आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही। ब्रह्म विद्या, महाकाल और ब्रह्मा, प्रभाव, विजय, सत्व, निश्चय, दंड, शक्ति, नीति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं। वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा हूं। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो।
हे माधव, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। कृपया अपने मनुष्य रूप में आ जाइए, मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनम तवा। Ha ha ha!